नमस्कार, इस वक्त जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ यानी कि सौम्य मिश्रा के साथ। आज आपको लेकर आई हूँ मैं एक दूसरी ही दुनिया में, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कई डिफरेंट किरदार और कई किरदारों में से एक बहुत ही पॉपुलर किरदार है, वो है आड़ू। सो बिल्ली एंड आड़ू आर गोइंग टू जॉइन अस टुडे। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फेमस कॉमेडियन गौरव गेरा, जो हमारे साथ आज करेंगे कुछ गपशप, कुछ बातें और कुछ चर्चा। Hello, hello. Thank you so much, Soumya. How are you doing? I'm good. I'm so excited to have you with us in the studio today, virtually. I am so excited to be here. Virtually. अच्छा, हमने आपका virtually बहुत सारे videos देखे हैं। आजकल आपके कई characters बहुत famous हो चुके हैं, आड़ू being one of them, बिल्ली being one of them. What is the true Gaurav? What is the real Gaurav? See, Soumya, मतलब जैसे कि मैं comedy बहुत करता हूँ, I do a lot of comedy skits. बट बेसिकली मैं बहुत ही आम सा हूँ, जैसे नॉर्मल होते हैं। आई एम नॉट द वन हु इज़ द ब्राइटेस्ट इन द रूम, जो आते ही जोक्स क्रैक करता है। सो आई एम नॉट द स्टैंड अप काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, बट आई एम अ शाई क्वाइट टाइप ऑफ अ पर्सन जो ऑब्जर्व करता है। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ वॉज योर जर्नी, लाइक हाउ डिड यू एंड अप बिकमिंग अ कॉमेडियन? बिकॉज इंडिया में जब आपने कॉमेडी शुरू की थी, कॉमेडी वॉज नॉट द क्रेज, या कॉमेडी को उतना वेटेज नहीं दिया जाता था। एक्चुअली दैट्स द थिंग, उस समय कॉमेडी को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो हाउ डिड यू डिसाइड टू गेट इनटू दैट? सी, कॉमेडी तो मेरे ख्याल से काफी लोग थे, बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू कपिल एंड सुनील ग्रोवर, जो मेन प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं उसको, एंड दे मेड इट सो बिग। लेकिन मेरा ये है कि मैं तो कॉमेडी में बाय चांस आ गया। मैं आई केम टू बॉम्बे टू बी एन एक्टर, और मेरा जो शो था जस्सी जैसी कोई नहीं, वाज अ वेरी पॉपुलर शो। उसमें समहाउ मेरे कैरेक्टर को कॉमेडी बोल दिया गया, बट एक्चुअली आई थिंक आई प्लेड ऑल द इमोशंस। मैं उसमें सैड, जेलस, हैप्पी, देयर वाज ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस, जस्ट दैट देयर वाज अ कैरेक्टर टू इट। बट ब्रॉडली शायद लोगों को वो कॉमेडी लगा, तो कॉमेडी करते करते और करते करते फिर कॉमेडी इज व्हाट आई स्टार्टेड लाइकिंग। और जैसे आप स्पेशलाइज हो जाते हो अबाउट अ थिंग, सो शायद मैं को स्पेशलाइज कर गया कॉमेडी में। सो वुड यू वांट टू एक्सप्लोर अदर जॉनर्स एज वेल? सी, आई डू लाइक अदर जॉनर्स आल्सो। मुझे हॉरर अच्छा लगता है, मुझे आई वुड लव टू प्ले नेगेटिव आल्सो, नेगेटिव गाय। बट ये है कि सोमे मैं उस चीज को ना बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगा। Comedy, I think I can do it for a very long time. It makes me happy. It gives me happiness. But baki sab main karunga just to sample it, taste it, and then bas happily get out. But ye hai something, this is what I love to do and I do more of it. You are one of abhi bhi jaise main kahunga mere jo videos hain, I think I'm not a, I don't really make a lot of comedy, but I make slice of life. Jo videos main banata hu usme dadi bhi hai, dad point of view hai. बिल्ली मासी इज़ अ मिडिल क्लास वूमन, बच्चा है छोटा सा, सो दी स्टोरीज ऑफ बिल्ली मासी, आड़ू, दादी, बारिश, देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, देयर स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज, जो बहुत ही क्यूट स्टोरीज हैं। और मुझे तो लगता है मेरी स्टोरीज में ग्लोबल अपील है। अगर डबिंग होगी तो दे शुड वर्क फॉर एनी कंट्री, एनी काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज बेसिक इमोशन सेम होती है। बट आई फोकस ऑन फनी स्टफ ऑल्सो। बट आप अपने टाइप के इकलौते हैं, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं इंडिया में, बट आप अपने टाइप के इकलौते इसलिए बिकॉज यू वर द फर्स्ट वन टू मेक सोशल मीडिया योर मेन प्लेटफॉर्म। सो हाउ डिड यू लाइक इतना अहेड ऑफ थिंकिंग कैसे किया आपने? सोमी, एक्चुअली मैं 2010 में मैं ज्यादा टीवी नहीं देख रहा था जी। आई कुड नॉट समहाउ अग्री टू व्हाट वाज बीइंग मेड ऑन टीवी, और मेरे को जो पसंद आता था वो नहीं था टीवी पे। एंड फिल्म्स मुझे बहुत लंबी लगती है, आई एम अ वेरी इंपेशेंट गाय। मैं बाल भी नहीं कटाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं एक सीट पे 20 मिनट नहीं बैठ सकता। सो इन 2010 आई रियलाइज दैट मेरा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, मे बी 5 to 10 मिनट्स। टेल मी बेस्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट, तो मुझे शॉर्ट बहुत अपील करता था जी। तो आई मूव्ड टू यूट्यूब। तो ऐसा नहीं है कि मैं ओरिजिनल था, आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग ग्रेट वर्क। कैनेडा में एक वो है अमन, कैनेडा के अमन, आई यूज टू वॉच हिज वीडियोज, आई लव हिज वीडियोज, वो ए के ए अमेजिंग, ही यूज टू मेक वीडियोज, दे वर वेरी वेरी कूल। अब शायद वो ज्यादा वीडियोज नहीं बनाते। देन देयर वर पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, एंड टीनएजर्स डूइंग ग्रेट वर्क, जो घर पे बैठ के वीडियोज बनाते थे। तो दैट अट्रैक्टेड मी, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज इन 2010। लेकिन शायद इंडिया में स्पीड्स नहीं थी, इंटरनेट स्पीड्स नहीं थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो वीडियोज ना बहुत बफर करते रहते। हाँ। तो मुझे कोई सक्सेस मिला नहीं था 2011 तक, और 11 से 14 तक मैंने वीडियोस नहीं बनाए। आई रीस्टार्टेड मेकिंग वीडियोस इन 2015 व्हेन आई थिंक इंडिया वाज अ लिटिल मोर रेडी टू कंज्यूम इंटरनेट कंटेंट।
और अभी मेरा 80% ऑफ ट्रैफिक कम्स फ्रॉम मोबाइल स्मार्टफोन्स, सो स्मार्टफोन्स का बहुत बड़ा हाथ है, जियो का बहुत बड़ा हाथ है कि डेटा सस्ता हो गया एंड ऑल दैट, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. वेरी नाइस. अच्छा, आपके कुछ थिएटर जर्नी भी है, हैव यू हैड द एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर या सिर्फ टीवी और फिल्म्स का ही, बॉलीवुड का ही एक्सपीरियंस आपके पास? नो, टू बिगिन विद आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर. मैं दिल्ली में, दिल्ली का हूँ, गुड़गांव का, हरियाणा का जी. सो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, आई डिड सम प्लेज फॉर टू इयर्स, म्यूजिकल प्लेज किए थे, इंग्लिश म्यूजिकल प्लेज, हिंदी प्लेज किए थे, और उसके बाद मैं बॉम्बे गया था और 2011 से 14 में मैंने दोबारा थिएटर में गया था, विच वॉज बॉलीवुड म्यूजिकल झुमरू जो गुड़गांव में होता है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में. तो थिएटर में इन एंड आउट रहा हूँ, बट मतलब टोटल फोकस नहीं रहा है थिएटर का, बट आई थिंक थिएटर गिव्स यू अ लॉट. बट झुमरू इज वन ऑफ दोस वेरी फेमस शोज जो बहुत लोग देखने जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब. एक्चुअली बहुत सारे मैंने भी देखा है, इट्स लाइक अ ह्यूज ब्रॉडवे म्यूजिकल, इट्स अ ग्रैंड म्यूजिकल जी. झुमरू मेहता जी, तो आई वाज वेरी हैप्पी देयर. वाह, सो दैट इज बहुत वैरायटी ऑफ जर्नी है आपकी. बट नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्वियसली मे बी हम आपके आइडियाज थोड़े रिवील कर रहे हो, बट आपकी ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे हैव वेरी, एवरीबडी हैज समथिंग डिस्टिंक्ट, ऑल योर कैरेक्टर्स हैव समथिंग डिस्टिंक्ट. हाउ डू यू कम अप, वेयर डू यू गेट द इंस्पिरेशन, बिकॉज यू से यू आर अ क्वाइट पर्सन. वी है बहुत, लॉट ऑफ इट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से बहुत कुछ है. बट मैं जैसे मुझसे कोई डिस्कशन कर रहा था, आई सेड कि मैं एक जनरल एस्पेक्ट लेता हूँ जी. अगर मैंने ओल्ड दादी बनाई है तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दादियाँ वैसी ही होती हैं, बट मैं एक जनरल में लेता हूँ कि मतलब ओल्ड पर्सन, व्हाट एन ओल्ड पर्सन मस्ट बी गोइंग थ्रू. मीठा खाने को नहीं मिलता, डायबिटीज होगी, उम्र है, ज़्यादा मोबाइल नहीं होंगे, थोड़े से नेग्लेक्टेड फील करते होंगे घर पे, टाइम नहीं मिलता होगा. सो एक ब्रॉडली एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ कैरेक्टर का जी. और बच्चे का, जैसे जो आड़ू बनता हूँ, तो आड़ू बच्चे को क्या क्या चीज़ हैप्पीनेस दे सकती है, उसका पहला एक्सपीरियंस किस चीज़ का होगा, तो कैरेक्टर डिज़ाइन में मैं ये सिर्फ रखता हूँ ब्रॉडली, एज कितना पढ़ा हुआ है, कहाँ से आया है, व्हाट्स द बैकग्राउंड, लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा. तो कैरेक्टर्स में कोशिश करता हूँ हर कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल ही फ़र्क हो. एंड अब जाके मेरे पास कुछ 22 से 25 कैरेक्टर्स हैं हु आर रियली लव्ड एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. मैं आपकी बातें लिखती जा रही हूँ ताकि अगले क्वेश्चन बना सकूँ. इसके पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊं कि हमारा अगला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, ठीक है? सो व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन, यू कांट थिंक, यू हैव टू लाइक राइट अवे आंसर. अच्छा, मेरी वाट तो नहीं लगाओगे कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी कैजुअल, ठीक है? अच्छा, हम राजेश्वरी की भी बात कर रहे थे, आई वुड लव टू टॉक अबाउट राजेश्वरी. ओके श्योर, but I wanted to do that. Sure, but I want to introduce it first before the people don't, if they don't know, let me tell you guys, this is coming as a fan before Gaurav actually introduces Rajeshwari, one of the cutest characters, aur unki jo acting hai wo itni natural hai, aisa lagta hi nahi that she's putting in any effort, and you have to watch it. Ek bar dekhenge aapko fir bar bar watch karne ka man karega, because it makes the life a little more cheerful. So yeah, before he talks about Rajeshwari, this was all about Rajeshwari. Here, over to you, Gaurav. Tell us, how did you come up with Rajeshwari? See, Rajeshwari is my house help. वो मेरे साथ घर पे 12 साल से है. She has been cooking for me. वो घर का पूरा ध्यान रखती है. And वो मेरे वीडियो में छोटी-छोटी एंट्री करती थी. So Rajeshwari को मुझे लगा अभी कुछ टाइम पहले कि she does need a page of her own. Instagram पे Mrs. Rajeshwari करके मैं उनका पेज बनाया. एंड आई डू गिव हर सम टाइम. मैं उनको बहुत रीटेक्स देता हूँ. मैं कॉन्सेप्ट सोच के रखता हूँ कि Rajeshwari पे क्या अच्छा लगेगा. एंड देयर्स अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस. जो है Rajeshwari शुरू में बोलती थी बस हो गया रीटेक, जब मैं बोलता था एक और टेक. अब वो खुद बोलती है कि नहीं नहीं एक और करते हैं, मजा नहीं आया. सो आई सी द ग्रोथ, आई सी द हैप्पीनेस दैट शी गेट्स. मुझे बता रही थी Rajeshwari की उनकी लोकेलिटी में उनको लोग पहचानते हैं. सम वेरी बिग डॉक्टर स्टॉप्ड द कार एंड सेड ये मेरी पेशेंट है. He talks about her. It gives me great happiness that Rajeshwari बहुत पहचान. उनके एक वीडियो को तो 25 million views आए हैं on YouTube. I love the Neymar वाला video. मेरे वीडियो को नहीं आए. कौन सा? वो जिसमें वो बार-बार गिर जाती थी. I love that video. It is so cute. That went viral like, yeah, it was all over. News channels में भी दिखाया गया था. It was all over. बड़ी compilation है उनके गानों की. That's 25 million views. मेरे तो इतने नहीं आए Rajeshwari के. It's just like gone really up there.
बट इट इज रियली अमेजिंग कि आपने अपने हाउस हेल्प को कितनी अच्छी तरीके से उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया. टैलेंट यू कैन फाइंड एनीवेयर एज लॉन्ग एज यू नर्चर इट. Yeah, I think it's internet is also about a lot of content. What appeals to people? मतलब कोई लोग actually देखा जाए तो कोई beautiful background नहीं देखने आ रहे हैं. People are not going to judge you on the taking कि आपकी edit कितना strong है. They're coming for a small screen. आपका phone का screen इतना सा है, आपका laptop का screen इतना सा है. उसमें आपको क्या appeal करता है is what really matters. तो design मेरे सारे videos जो होते हैं वो सब mobile phones के लिए basically. Some people watch it on YouTube. YouTube पे भी मेरा चैनल है गौरव गेरा टीवी. And people do watch it on screens, but my focus is the small screen, which is the phone screen. Yeah, it looks पता चलता है देख के कि आपका पूरा फोकस जो है वो फोन यूजर्स के लिए है. And I like the concept because लोग पाक जब चल फिर रहे होते हैं उन्हें रैंडमली कुछ देखना होता है. Those are one of those nice videos where you don't spend too much data and time. Correct. Yeah. Quick very consumption well जो होता है. Very well marketed and thought out strategy. Yes, thank you. अब पढ़ते हैं rapid fire round की तरफ जिसको आप थोड़ा push करने की कोशिश कर रहे थे, but we have to do this one, okay? Ready? okay. Ready. So your first question is, वड़ा पाव या छोले चावल? छोले चावल. Okay. सलमान या शाहरुख? शाहरुख. प्रियंका दीपिका? सलमान. हाँ क्या? Sorry. प्रियंका या दीपिका? And सलमान I said. कितना हार्ट ब्रेक हुआ ये जवाब देते हुए आपको, बिकॉज़ यू हैड टू चूज वन ओवर द अदर. आई लाइक बोथ ऑफ देम. मैं कैसे करूं, मतलब आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम. आई गिव यू दिस वन बिकॉज़ यू कैन नॉट चूज. इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चंस टू चूज फ्रॉम. अद्दू या बिल्ली? आड़ू. आड़ू. ओके. स्नैपचैट या इंस्टाग्राम? Snapchat for creation, Instagram for uploading. नहीं नहीं एक करना है. एक ही करना है. See, I can't make videos without Snapchat. और Instagram पे traffic काफी जाता है. तो what do I do? Okay, I'll give you both of them. इसमें both of them. Okay, thank you. Mumbai या Gurugram? Now I have to tell you, I am from Gurgaon. So. Oh, you are? Yes. So अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा. यार आप मुझे निकलवा दोगे बॉम्बे से. Okay, you can choose whichever you want. I love Bombay. Yeah. हाँ, but मेरा गुड़गांव में मन लगता है, because my family is here, my parents are here, my school friends are here. मेरा काफी मन लगता है गुड़गांव में, so maybe गुड़गांव. Very nice. Thank you. So दो गुड़गांव वालों ने गुड़गांव को thumbs up दिया. But apart from that, now tell me, Bombay में आपको how did you acclimate to Bombay? गुड़गांव और Bombay were two different kind of cities. So कैसा रहा शुरू का आपका experience वहाँ पे? Because food is also totally different. Yes, yes, food is very different here. मैं जब नया नया गया था बॉम्बे, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, and बाहर का खाना we couldn't afford. मतलब मैं तो struggler था, beginner था, तो रोज अच्छी अच्छी जगह पे तो नहीं खा सकते. So जैसे पड़ोस में एक आंटी थी, वो खाना बना के देती थी, वो थाली में डाल के दे देती खाना. तो सब नेम्स वो डिफरेंट. चवली एक होती है जिसको हम बोलते हैं लोबिया, पंजाबी में लोबिया होता है, उसको बॉम्बे में बोलते हैं चवली. टेनली होती है एक, हम उसको परवल बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं टेनली. अच्छा. सो ये नाम समझने में थोड़ा टाइम लग गया. कांदा हम लोग नहीं बोलते थे, अब तो नाउ ऐसे कांदा ओनली, बिकॉज़ आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे फॉर वेरी लॉन्ग. बट टर्मिनोलॉजी फर्क होती है. फिर शुरू शुरू में जो मेड होती थी वो हर चीज में कड़ी पत्ता और राई के दाने डाल देती थी, बिकॉज वहां पे होता है बॉम्बे में, कुछ शौक है पता नहीं मेड्स को डालने का. बट ये है कि धीरे धीरे then I learned cooking myself. जरूरत का नाम, मतलब जरूरत पड़ी तो मैंने बनाया खाना, and I'm a very good cook now. तो वो था. and बॉम्बे में फिर I think बॉम्बे is very very professional. मैं कह रहा हूँ मुझे गुड़गांव पसंद है, but I think professional जैसा बॉम्बे है वैसा कोई भी शहर नहीं है. they just like they're too good is what I feel. they're much more professional. तो ये आदत पड़ गई धीरे धीरे. आई लव बॉम्बे. आई लव बॉम्बे का रेन, मुझे बहुत पसंद है. बारिश इज सो खूबसूरत. इफ यू नॉट ट्रैवलिंग, अगर आप कहीं फंसते नहीं हो, तो बॉम्बे इज लाइक द बेस्ट थिंग टू बी इन. जुलाई से अगस्त से सितंबर इज द बेस्ट सीजन टू बी इन बॉम्बे. या आई हैव सीन द बॉम्बे रेन, इट इज ब्यूटीफुल. है ना, इफ यू नॉट ट्रैवलिंग, मतलब सड़क पे तो आप फंस जाओगे जी आने जाने में, बट इफ यू एट होम इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, इट्स पीसफुल. क्या भजी और चाय? हाँ भजी और चाय. तो भजिए चाय वड़ा पाव सारे डिस्कशन हमने कर लिए.
अब हम डिस्कशन करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए हमने आपके साथ आज टाइम निकाला, आपके फैंस जो कनाडा में हैं। सो एक्चुअली आपने हमारे लिए टाइम निकाला, जो आपके फैंस हैं उनके लिए कोई प्यारा सा मैसेज इन ओरिजिनल गौरव के अंदाज। सी कनाडा मुझे बहुत पसंद आया था, मैं एक मूवी करने आया था 2005 में जी, आई डिड नील एंड निक्की। सो नील एंड निक्की वाज शॉट इन कनाडा, और उसके अलावा मैं कभी नहीं आया कनाडा, बट आई थॉट कनाडा मुझे बहुत प्यारा लगा था, और दूसरा मुझे अपनापन बहुत लगा था। आई थिंक यू सी टू मेनी इंडियंस, बहुत सारे पंजाबीज दिखते हैं, गुरमुखी लिखी होती है जगह जगह पे, पंजाबी में साइंस होते हैं, सो यू फील बिलोंग टू, वैसे ही जैसे आप जाते हो आपको लगता है अपनी जगह है। देन पीपल आर वेरी नाइस, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज इन केलोना, केलोना बहुत खूबसूरत सी जगह थी, और सो मैसेज यही है दैट आई थिंक कनाडा ना बहुत लाइवली है, दिस इज व्हाट आई गेट। आई हैव नॉट रियली स्पेंट टू, मेरे फ्रेंड्स नहीं है कनाडा में एज सच, बट जो समझ आता है कि बहुत ही लाइवली है, बहुत कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, एंड पंजाबी इज अ वेरी वेरी लाइट हार्टेड एंड लुक्स लाइक ग्रेट फन टू बी। तो कीप स्माइलिंग, मस्ती करो और मेरे वीडियोज देखते रहो। हेलो विनी, तुम्हें नाराज जाऊंगी। That's Billy Massey's voice, by the way. That is so cute. Thank you so much for joining us, Gaurav. Thank you, and I absolutely loved it. Yeah, thank you so much. Thank you so much. मेरे को सबको बता देना कि कहाँ पे जिसने नहीं देखे हैं videos, where to go and where to see the videos. आप please, आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, मैं भी बता दूँगी. We will share all the details as well. Awesome. Thank you so much. Gaurav Gera Instagram पे, Gaurav Gera TV YouTube पे, Facebook पे Gaurav Gera official. So यही है. And lots of characters are there. Of course there are. We will share some of the videos for people to see and enjoy a little bit. Thank you so much for joining us, Gaurav. Thank you so much, Mira. Thank you so much. Okay, class, बताओ हमारे पूर्वज यानी ancestors कौन थे? From the class. Sala sab kar jata heroine man.